अम्बेडकर पार्क पर पकौड़ों का स्टॉल लगाया था, लेकिन शायद पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया और मुख्यमंत्री जी का रूट भी चेंज कर दिया गया। इसे प्रधानमंत्री जी व्यंग न माने, एक अच्छा मशवरा दिया है प्रधानमंत्री जी ने, हम उस मशवरे का स्वागत कर रहे हैं। और बेरोजगार नौजवान छात्र उस सबको ये राय दे रहे हैं कि वो बेकार न रहें, यही हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह भी किया था कि आप नौकरियां दीजिए। आप लोगों से अनुरोध है, यह प्रधानमंत्री जी योजना है। किसी भी देश का सब कहो, किसी भी देश का प्रधानमंत्री आप ये देखिए सेवा के लिए है, तमाम मुल्क है, मास्क है। प्रधानमंत्री ने जो है कहा कि जो है ये पकौड़े बेचना भी जो है एक रोजगार है, उन्होंने वायदा किया था अपने जो है घोषणा पत्र में भाजपा ने, प्रधानमंत्री जी ने, कि जब हम जीत जाएंगे तो हम देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे एक साल में। मगर बड़े अफसोस की बात है कि रोजगार तो दूर दूर रहा, लेकिन शर्म की बात यह है कि वो नौजवानों को जो डिग्री लिए हुए हैं, ये डिग्री लेके बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, उनसे कह रहे हैं कि तुम पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचना भी एक वो रोजगार है। ये देखिए, हमने डिग्री इसलिए ली है कि हमें अच्छी गवर्नमेंट एजुकेशन इसलिए ली है हमने कि गवर्नमेंट हमें जॉब दे और अच्छे से हम अपनी जिंदगी बनाएं। अगर ऐसा ही हमें मालूम होता कि धोखे से मोदी जी हमसे वोट लेंगे, हमने ये सोचकर वोट दिया था उनको कि हमारा भविष्य बनेगा, लेकिन हमारे संग में धोखा हुआ है, सब पढ़े लिखे लोगों के संग में धोखा हुआ है। जिस तरीके के उनका बयान आया है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, चाय बेचे हैं, पकौड़ा बेचे हैं इस तरीके से, तो हमारे संग में बिल्कुल धोखा किया गया है। अरे मेरे भाई, क्या कर रहा है भाई ये?